हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वर्जन का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम चार तरह के कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, और ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसको आज ये चारों कन्वर्जन जो है आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि बाइनरी टू ऑक्टल, अगर मान लीजिए से बाइनरी टू ऑक्टल, अगर हमें कोई बाइनरी नंबर दिया है, सपोज कीजिए हमें कोई बाइनरी नंबर दिया है 1101, ठीक है, 1101, ठीक है, 0011, ठीक है, और हमें क्या करना, या मान लीजिए इसको और इंक्रीज कर लिए 011, ये बाइनरी में हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बाइनरी से ऑक्टल में करने के लिए हम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, यानी आप फिर से ही नंबर लिखिए 1101001101, ठीक। अब राइट टू लेफ्ट आप तीन तीन का ग्रुप बनाइए, तो जैसे ये तीन हो गए, फिर ये तीन हो गया, फिर ये तीन हो गया, और ये दो बच्चे, तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, आपने ये जीरो बढ़ा लिया, ठीक, ये वाला जीरो, तो ये तीन हो गया, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इन बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है, अब देखिए और तरह के नंबर सिस्टम को कन्वर्जन के लिए, या एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कन्वर्जन डिस्कस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको जीरो से लेकर सेवन तक का, कायदे से तो जीरो से पंद्रह तक का आपको डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए। निकाल तो आप लेंगे, मैंने मेथड बता दिया है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे जीरो का कितना होता है, और इसको आप चार डिजिट में लिखिए, ये जीरो, ठीक, वन तो हो गया 0001, टू तो ये हो जाएगा 0010, थ्री ये हो जाएगा 0011, फोर 0100, इस तरह करके आप क्या करेंगे, आपको एटलीस्ट 15 तक का, 15 आएगा 1111, ये अगर आप याद रखेंगे, इसको अगर आप रेडी रेफरेंस में याद रखेंगे तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं या जहाँ पे टाइम आपका मैटर करता है, वहाँ पे आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप एटलीस्ट जीरो से लेकर और पंद्रह तक जो डेसिमल नंबर हैं 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट आप लोग याद रखिए। ठीक, अब आप आ जाइए यहाँ पे, तो ये जब तीन तीन का आप ग्रुप बना लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इनका अलग अलग डेसिमल इक्विवेलेंट लिखिए। तो 011 का आप टेबल से देखिए, या आपको याद होगा तो ये आएगा 3, फिर ये 011 आ गया, फिर हो गया 3, फिर 010 ये हो जाएगा 2, और फिर 011 ये हो गया 3, तो यानी आंसर आ गया आपका 3233, ये ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया इस बाइनरी नंबर का। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने कहा आपको दिया हुआ है 1011, फिर 01110, मान लीजिए ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक, और आपको इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन। फिर आप क्या करेंगे, पहले आपने नंबर लिखा 1011010, ठीक, अब राइट टू लेफ्ट आप क्या करेंगे, इनका तीन तीन का ग्रुप बनाइए, तो ये तीन होगा एक, फिर ये तीन हो गया दो, फिर ये तीन हो गया तीन, यहाँ पे आपको जीरो नहीं बढ़ाना पड़ा, तो 110, अब अगर आप टेबल से देखेंगे 110, या आपको याद होना चाहिए, तो ये होगा 6, फिर 101 आएगा 5, और फिर 101 आ जाएगा 5, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 556, सॉरी एक्टल ऑक्टल इक्विवेलेंट, ये हो गया इसका आंसर, जैसे ये आया था। ठीक, तो
यही एक सिंपल मेथड है, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कीजिए कि उसका तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 110100, ठीक है, ये एक और कर लेते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो क्या करेंगे, पहले आप नंबर लिखिए 110100, ठीक। अब तीन तीन का ग्रुप बनाइए, तो ये तीन हो गए, ये तीन हो गया, ये दो ही है तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, ये इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे इस टेबल से, या ये टेबल याद रखेंगे तो हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, तो आंसर क्या आ गया 324 इन ऑक्टल। तो इस तरह से किसी भी बाइनरी नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब आ जाइए सेकेंड टाइप पे, सेकेंड है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक। तो ये भी देखिए पिछले मेथड की तरह ही है, अंतर क्या है कि वहां पे तीन तीन का ग्रुप बनाते थे और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम चार चार का ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए 110100110110, ये दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने नंबर लिखा 110100110110, अब राइट टू लेफ्ट आप चार चार का ग्रुप बनाइए, तो ये हो गया एक, उसके बाद ये हो गया दो, यहां तीन ही रह गए तो एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो एक जीरो बढ़ा के ये हो गया, तीन ग्रुप बन गए। अब आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखिए, देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको डेसिमल का 0 से 15 तक का बाइनरी इक्विवेलेंट 4 डिजिट में याद होना चाहिए। जैसे 1 का होता है 1111, 15 का होता है, ठीक। अब 0110 का आप देखेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट तो आएगा, सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट तो आएगा 6, ये आप देखेंगे ये आएगा 9, ये आप देखेंगे ये दोबारा से आ जाएगा आपका 6, तो इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो गया 696 और हेक्साडेसिमल, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, हमने कहा 110100110101, ये दिया हुआ है, इस ये बाइनरी में दिया है, इसको हमें क्या करना है हेक्साडेसिमल में करना है, ठीक। क्या करेंगे, नंबर फिर से लिखिए 110100111101, ठीक। राइट टू लेफ्ट चार चार का ग्रुप बनाइए, ये चार हो गए, ये चार हो गया, ये चार हो गया। अब 1101 ये आप देखेंगे अपनी टेबल में, ठीक, तो ये आएगा 13, ठीक। इसको आप देखेंगे ये आएगा 5, और इसको आप देखेंगे तो ये भी वही चीज हो रहा है, ये भी आएगा 13। अब हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है जब आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 तक तो वैसे ही चलेगी गाड़ी, 0 से 9 तक डेसिमल की तरह, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे 13 की बजाय हम क्या लिखेंगे, एफ, सॉरी 13 की बजाय हम लिखेंगे क्या है, डी, ठीक। तो 13 की बजाय हम लिखेंगे डी, इसको भी हम 13 की जगह लिखेंगे डी, तो अब ये हेक्साडेसिमल में आ जाएगा आपका डी 5D, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से किसी भी बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप थर्ड टाइप पे आ जाइए, थर्ड था हम बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ चुके हैं, अब है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी।
ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए आपको ऑक्टल में दिया हुआ है, सपोज कीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 431 इज गिवन इन ऑक्टल, और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्या कीजिए 431 आपने लिखा, और हर एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट तीन डिजिट में वो आपको लिखना रहेगा। अब जैसे वन का है तो वन का केवल वन नहीं लिखेंगे हम, 001 लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही थ्री का 11 होता है, इसको हम 011 लिखेंगे, और फोर का 100 होता है, ये हम लिखेंगे, और इन सब को मिला के आप लिख दीजिए, दैट विल बी द आंसर। यानी ये आ गया आपका 100 और फिर 011 और फिर 001, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक। मेन इसमें यही है कि आप हर एक डिजिट को तीन डिजिट में उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्टल का ही, कि अगर ऑक्टल नंबर दिया है तो उसको हम कैसे जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए कोई और ऑक्टल नंबर ले लिए हमने, अगर दिया हुआ है से 127, दिस इज गिवन इन ऑक्टल, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 7 लिखा, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 111 आएगा, 2 का 3 010 आएगा, 1 का 001 आएगा। अब इनको आप मिला के लिख दीजिए, यानी इसका आंसर हो गया 001010111। चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं बाइनरी में, ये आंसर सही हो गया। और चूंकि नंबर के शुरू के ये जो जीरो है इनको आप चाहे लगाइए और चाहे ना लगाइए, इनसिग्निफिकेंट है भाई। कोई भी नंबर है आपका, किसी जैसे हमने कहा मान लीजिए 28 है, अब 28 को आप ऐसे लिखिए चाहे आप इस तरह लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए चाहे आप ये लिखिए, और अगर नहीं तो आप इसको केवल यहाँ से स्टार्ट कीजिए जब आपको MSB मिल जाए 101011, ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये थर्ड टाइप का आपका कन्वर्जन हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी आज के लेक्चर का थर्ड टाइप का हो गया। अब जो फोर्थ टाइप का हमारा बचता है, फोर्थ टाइप का हम लोगों का बचता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब आ जाइए आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो सपोज कीजिए आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, हमने कहा कि से 1AF, ये दिया है किसमें, हेक्साडेसिमल में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हर एक डिजिट को अलग फोर डिजिट के बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे। मतलब अभी हमने हेक्साडेसिमल में आपको पढ़ाया था कि भाई ए से जो एफ तक होता है वो 10 से लेकर 15 तक उसकी वैल्यू होती है, 10, 11, 12, ऐसे ABCDEF, है ना। तो कई बार रिपीट हो चुका है लेक्चर्स में, नहीं अगर क्लियर होगा तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिफर कर लीजिएगा, मैं आई बटन में डाल दूंगा उनको, या चैनल पे भी अवेलेबल है। तो F का इक्विवेलेंट कितना हो गया 15, A का कितना हो गया 10, 1 का 1 ही रहेगा। अब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, तो 15 का जब आप बाइनरी इक्विवेलेंट करोगे तो आएगा 1111, और हर बाइनरी इक्विवेलेंट चार डिजिट में लिखना है। यहाँ पे 10 का क्या आएगा, 10 का आएगा 1010, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा 0001, चार डिजिट में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप इनको मिला के लिख दीजिए, दैट विल बी द आंसर। यानी आपने लिखा कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 0001, फिर 1010, फिर 1111, ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आंसर। अब एज फार एज दिस जीरो आर कंसर्न, चूंकि ये इनसिग्निफिकेंट है तो चाहे इनको आप लिखिए और चाहे नहीं लिखिए, अगर नहीं भी लिखेंगे तो 110, फिर 10 और फिर 1111, ये आंसर आ गया बाइनरी में, क्लियर। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि से आपको दिया हुआ है 9
सी डी ये दिया है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे, 9 लिखा हमने, सी लिखा, डी लिखा, इनका चार डिजिट में बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक। डी का क्या आएगा, अब डी का आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ए बी सी जे क्या होता है भाई, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब ये होता है आपका ए कितना होता है 1010, फिर ये हो जाएगा 1011, फिर ये हो जाएगा आपका 1100, फिर ये हो जाएगा आपका 1101, फिर ये हो जाएगा 1110, फिर ये हो जाएगा 1111। अब डी का कितना आएगा, डी का आएगा ये, यानी 1101। सी का कितना आएगा, 1100, और 9 का क्या होता है, 1001 होता है। इनको आप मिला के लिख दीजिए, यानी आंसर हो गया 1001, 1100, 1101, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, कोई भी सजेशन है आपका तो कमेंट लाइन में बताइए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।